जब रवि किशन से उनके पिता डेयरी का करवाना चाहते थे बिजनेस, मां ने ऐसे की थी मदद। नया साल 2020 गोरखपुर के सांसद रवि किशन के लिए दुखद समाचार लेकर आया। 31 दिसंबर 2019 की रात को उनके पिता का वाराणसी में स्वर्गवास हो गया। हम आपको रवि किशन और उनके पिता के बारे में खास बातें बताने जा रहे हैं। पढ़ें रविवार किशन के गांव के छोरे से मेगा स्टार बनने की कहानी। रवि किशन का जन्म तो मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक छोटी सी चाल में हुआ था, लेकिन वे मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता पंडित श्याम नारायण शुक्ला का मुंबई में पुरोहित हैं और उनका डेयरी का छोटा सा बिजनेस था। रवि किशन जब 10 साल के थे तब उनके पिता का उनके चाचा के साथ विवाद हो गया और धंधा बंद कर दोनों को जौनपुर लौटना पड़ा। रवि किशन यहाँ करीब 7 साल तक रहे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें मुंबई की याद आती थी। रवि किशन के परिवार को बेहद गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। वे मिट्टी के बने घर में रहते थे। एक समय ऐसा आया जब रवि किशन या तो मरने या गुंडा बनने की सोचने लगे थे। तभी उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। इस डायलॉग ने उनका जीवन बदल दिया। पिताजी उन्हें जबरन डेयरी बिजनेस कराना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने 500 रुपए दिए और रवि किशन जौनपुर से मुंबई चले गए। रविवार किशन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भोजपुरी फिल्मों जाने की सलाह भी उनकी मां ने ही दिया था। रविवार किशन जब मुंबई आए तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे बस का टिकट खरीद सकें। वह अक्सर पैसे बचाने के लिए पैदल ही सफर करते थे। ज्यादातर समय वे वड़ा पाव खाकर दिन गुजारते थे। करीब 1 साल तक संघर्ष करने के बाद उन्हें फिल्म पिता बहनर में काम करने का मौका मिला। रविवार किशन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि उनकी इस सफलता में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था। उनके पिता श्याम नारायण शुक्ला का मानना था कि रविवार किशन का जन्म ईश्वर के आशीर्वाद से हुआ है। रविवार किशन ने बताया था कि पिताजी अक्सर उनकी पिटाई कर देते थे, लेकिन वे हमेशा उनसे प्यार करते थे।